वक्त की बड़ी अपडेट की ओर आपको बताने की कोशिश करें तो भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, गोरखपुर शहर सीट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, आजाद चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर शहर से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, दोपहर में दाखिल करेंगे नामांकन पत्र। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान चंद्रशेखर आजाद कर चुके हैं। गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से आपको बता दें कि आज चंद्रशेखर आजाद अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इस विधानसभा सीट पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के अलावा बसपा सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक इस सीट पर प्रत्याशी का इंतजार है। हालांकि आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद के अलावा इस सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से, बसपा की तरफ से शमसुद्दीन आपको बता दें कि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से शोभावती शुक्ला चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की तरफ से अभी आपको बता दें कि सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। आज दोपहर में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे चंद्रशेखर। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का उन्होंने आह्वान किया है। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद 11-12 बजे के आसपास गोरखपुर पहुंचेंगे, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को माल्यार्पण।